अल्लाह सर वालेकुम सलाम जी सर uh, बहुत शुक्रिया इट्स एन ऑनर फॉर अस आप टू हैव यू हेयर सर आपने यहाँ पे देखा इंटीग्रेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स पुलिसिंग इज़ नॉट एन अ लोन आने वाला वक्त जदीद पुलिसिंग का है सर कैसा देखते हैं आप सेफ सिटी को देखिए सबसे पहले तो बड़ी खुशी है कि लाहौर में स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट ने जो इनिशियटिव लिया और आज उसके आ, जो रिजल्ट हैं और डिविडेंस हैं आ, वो यहाँ के लोग और यहाँ लो, लोग यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए नजर आ रहे हैं टेक्नोलॉजी इज़ द की टू एनी अपकमिंग गवर्नेंस मैथडोलॉजी और टेक्नोलॉजी को अगर आप विध गुड ह्यूमन रिसोर्स अगर ब्लेंडिंग करेंगे तो न सिर्फ सिक्योरिटी बल्कि ओवरऑल एक जो एक आउटकम ऑफ़ द सिटी है या गवर्नेंस का एक स्ट्रक्चर है क्योंकि एंड ऑफ द डे कोई भी गवर्नमेंट हो उसकी जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह गवर्नेंस को अपनी इम्प्रूव करें और मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी और इस तरह की टेक्नोलॉजी से बेहतर और कुछ हो नहीं सकता सो आई मेस्ट लाइक गिव माई A warm regards and congratulations to the team, especially md saab with his team, and all of uh, those who are working over here in the lahore safe city. and they are giving their best uh, to the people of lahore and punjab. Uh, they are doing a very commendable job. and i must say this is something which uh, the rest of pakistan is also looking forward to replicate. especially government of balochistan is also in the phase of making its first smart cities and lahore uh, quite a safe city. so we hope uh, that we, uh, from them, we'll be learning inshallah a lot of things and we'll be uh, interacting with Lahore Safe Authority also to see what more can be done to improve things in our cities also. Uh, sir, what you are <laughs> your expectations of collaboration in Safe City with Lahore? Because it's a role model, it's a pilot project, but it's not going to execute. How are you looking? What are your expectations of collaboration in Safe City? If you don't know, I definitely tell you that Lahore Safe City we all will inter interact. Uh, बी एट द इनिशियल स्टेज और इनिशियल स्टेज जो चीजें इन्होंने फेस की जो कि शायद अगर आज अगर आप इसको रीबर्थ अगर इसकी कराना चाहें तो आप ज़रूर चाहेंगे कि जी अगर ये चीज़ें पहले हो जाती हैं तो ये इतना ज़्यादा बेहतर होता सो पहले तो हम कोशिश करेंगे कि वो जितने भी हिकअप्स थे उन हेकअप्स को हम देखें वो क्या थे जिनको हम अपने सिस्टम में बेहतर कर सकें सेकेंडली जो इनका एक्सपीरियंस अभी इतने सालों में यहाँ रहा है स्पेशली uh, क्योंकि हमारे पास वो ह्यूमन रिसोर्स अभी तक नहीं है uh, वो लोग जो अभी तक इस चीज़ से वाबस्ता नहीं रहे हैं तो वो एक जो लर्निंग प्रोसेस है वो डेफिनेटली वी वुड बी वेरी हैप्पी कि हम उनके साथ शेयर करें इधर और उसको सीखें और फिर ये जो एक्सपीरियंस इतने सालों का यहाँ डेवलप हुआ है इन तकरीबन तीन सालों के अंदर कि ये हाउ दिस होल टेक्नोलॉजी हैज़ कॉन्ट्रीब्यूट तो इन्होंने क्या सीखा है क्या होना और भी चाहिए और किस तरह आगे ले जाना चाहिए और फिर मेरे ख़्याल से एक टाइम इनशाला ऐसा आएगा कि पाकिस्तान में ये सारे अथॉरिटीज़ एक साथ हो के एक कोलैबोरेशन में पूरा नेशन इस चीज़ को कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि क्राइम जो है वो क्रिमिनल लिमिटेड नहीं होता क्रिमिनल ये नहीं है कि लाहौर का तो लाहौर में ही रहेगा वो क्रिमिनल कोयटा का है तो कोयटा में रहेगा वो लाहौर भी आ सकता है यहाँ वाला वहाँ भी जा सकता है और कहीं पाकिस्तान के और हिस्सों में भी जा सकता है तो मेरे ख्याल से हमें इसकी कोलाब्रेशन जितनी हम जल्दी करेंगे उतना अच्छा है क्योंकि ये एक टाइम आ जाएगा कि इट्स गोइंग टू बी अ वन सिस्टम विल बी लुकिंग ओवरऑल द सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री एंड uh, और ये अपना पूरा इनपुट देगी और उस इनपुट से फिर पाकिस्तान की सेफ्टी सिक्योरिटी और ज्यादा बेहतर अच्छी होगी सर लास्ट क्वेश्चन वैसे तो सर पूरा पाकिस्तानी जिंदा दिलों का मुल्क है लेकिन सर आप लाहौर में जिंदा दिलाने लाहौर के शहर में मौजूद हैं पीपल ऑफ़ लाहौर आर वेरी लाइवली एंड देर फुलजॉय लाइफ ऑल्सो और मेरा ख्याल ये, ये ये चीज़ हमें एडॉप्ट करनी चाहिए एज ए नेशन भी कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है जिन किसी के पास परेशानी नहीं है मेरा ख्याल डेथ टोल अगर आप सुसाइडल लें तो वो दुनिया के जो सबसे डेवलप्ड मुल्क हैं उधर होती हैं तो इसका मतलब है द कंटेंटमेंट इज़ नॉट ओवर दर सो इन ऑर्डर टू बी कंटेंट इन लाइफ यू नो यू नीड टू लाइक डेवलप इट विद इन इन साइड यू एंड आई थिंक सो यू पीपल लाइक रेप्लीकेटेड क्वाइट वेल एंड आई थिंक सो वी शुड बी ऑल्सो पूरा पाकिस्तान को थोड़ा सा एक हंस होना चाहिए इंजॉय लाइफ करना चाहिए बाकी चीज़ें हिस्सा जिंदगी के डेफिनेटली हैं बेरोजगार भी रहेगी चीज़ें ख़राब भी होती हैं मुश्किल भी हैं बट दैट डज नॉट मीन दैट यू स्टॉप लिविंग योर लाइफ ऑल्सो सो माई गुड विशिज टू द पीपल ऑफ़ लाहौर एंड स्पेशली फॉर द अपकमिंग मैच विच इज़ गोइंग टू हैपन गोइंगलो